दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच तीसरे T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने जड़ा मात्र 45 गेंदों में शतक, तो ये देख पाकिस्तानी दिग्गज शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम जैसे खिलाड़ियों ने कही सूर्य के लिए ऐसी बात की सुनकर आपको भी नहीं होगा यकीन कि हमेशा जहर उगलने वाला देश ऐसा कैसे कह सकता है। वसीम अकरम का तो बयान जाने बिना कहीं भी मत जाना, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और कोहली में से कौन बेहतर खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला अब समाप्त हो चुकी है और दोस्तों ये T20 श्रृंखला भारत के नाम रही, क्योंकि भारत ने पहला T20 मैच जीता और तीसरे T20 मुकाबले में तो सूर्य कुमार यादव की आतिशी बल्लेबाजी देखकर श्रीलंका की टीम भी एक बार के लिए घबरा गई, क्योंकि उन्हें भी क्या ही पता था कि कप्तान हार्दिक पांड्या टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करेंगे और भारत की टीम 20 ओवर में ही 228 रन जड़ डालेगी। और दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा वो था सूर्य कुमार यादव का, जहां सूर्य कुमार यादव ने मुश्किल वक्त में पारी को संभाला और पारी को संभालते हुए उन्होंने 51 गेंदों में 112 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। हालांकि अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 9 छक्के भी लगाए, जिसके बलबूते पर भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई। और वहीं दोस्तों सूर्य कुमार यादव का साथ शुभमन गिल और अक्षर पटेल ने भी निभाया, जहां 46 और 21 रन इन दोनों ने बनाए। तो वहीं दोस्तों फिर श्रीलंका की टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो उनके कप्तान तसुन सनाका से ही उम्मीद थी कि वो अच्छी पारी खेलेंगे, लेकिन वो भी आज ढेर होते हुए नजर आए, जिसके चलते 137 रन पर ही श्रीलंका की पूरी टीम 10 विकेट अपने गवा चुकी थी और 91 रन ही उन्होंने बनाए थे। हालांकि भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या, उमरान मलिक और युजवेंद्र चहल को 2-2 विकेट मिले, तो वहीं अर्शदीप सिंह को 3 सफलताएं हाथ लगी। लेकिन दोस्तों अब सूर्य कुमार यादव की ऐसी तूफानी शतकीय बल्लेबाजी को देखने के बाद पाकिस्तानी दिग्गजों का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों यहां पर सबसे पहला बयान निकल कर आता है शोएब अख्तर का, जहां शोएब अख्तर कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं मानता हूं कि सूर्य कुमार यादव एबी डिविलियर्स से ज्यादा अच्छा खिलाड़ी है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के पास एक ऐसी शक्ति है जो कि किसी भी बल्लेबाज के पास नहीं है। सूर्य की बल्लेबाजी देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि ये रब का भेजा हुआ बंदा है और बस मैदान पर रन बनाने ही आया है। तो वहीं दोस्तों शोएब अख्तर ने तो जमकर सूर्य कुमार यादव की तारीफ कर डाली। वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, जो अगला बयान निकल कर आता है वो है शाहिद अफरीदी का, जहां शाहिद अफरीदी कहते हैं कि सूर्य कुमार की ये बल्लेबाजी आप हमेशा बार बार देखना चाहते हैं, क्योंकि उसके शतक को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसे शॉट मैदान पर कैसे लगाना पॉसिबल है, और वो भी आज के एरा में जब गेंदबाज खूब आक्रामक गेंदबाजी करता है। लेकिन मेरा मानना तो यह है कि सूर्य कुमार यादव एक बेहतरीन खिलाड़ी है और उसको ऐसे ही अपना प्रदर्शन आगे जारी रखना चाहिए और अपने देश परिवार का नाम और रोशन करना चाहिए। वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, जो निकल कर आता है वो इंजमामुल हक का, जहां इंजमामुल हक भी कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज ना कोई हुआ है और ना ही हो पाएगा, क्योंकि सूर्य कुमार की बल्लेबाजी दिन प्रतिदिन और भी अच्छी होती चली जा रही है और ना सिर्फ वो छक्के चौकों पर ध्यान दे रहा है बल्कि सिंगल भी जिस तरह से वो निकालता है उसके बाद गेंदबाज पर पूरा दबाव आ जाता है कि ये आखिर कर क्या रहा है। और सूर्य कुमार की ऐसी पारी देखकर तो पूरा पाकिस्तान तो खुश है ही और भारत को गर्व महसूस होना चाहिए कि उनको एक ऐसा खिलाड़ी मिला। तो दोस्तों यहाँ पर इंजमामुल हक ने भी तारीफ की। तो वहीं दोस्तों बाकी आप सब यहाँ पर देख भी सकते हो कि सूर्य कुमार यादव की ही चर्चाएं पाकिस्तानी क्रिकेट चैनलों पर भी चल रही है और वसीम अकरम, रमीज रजा, शोएब मलिक सभी ने भारतीय टीम के खिलाड़ी सूर्य कुमार की जमकर तारीफ की है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है सूर्य कुमार यादव की ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखने के बाद? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।